नमस्कार, मैं प्रेमचंद यादव, सहायक प्राध्यापक भुवन मालती टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज मोतिहारी। आज बी ए सेकेंड ईयर में कोर्स EPC 4 स्वयं की समझ के अंतर्गत आज का प्रकरण है व्यवहार का वर्गीकरण। जब आत्मावलोकन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है उसमें द्वितीय चरण है व्यवहारों का वर्गीकरण। व्यवहार का वर्गीकरण करते समय विभिन्न पक्षों पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि व्यवहार यदि प्रभावित ढंग से निष्पक्ष नहीं होगा तो आत्मावलोकन सही तरीके से नहीं हो पाएगा, स्वयं की समझ विकसित नहीं हो पाएगी और व्यवहार में आय का भी प्रभाव होता है, धर्म का भी प्रभाव होता है, सामाजिक स्थितियों का भी प्रभाव होता है, संस्कृति का भी होता है, समय का भी होता है। इन सब पर ध्यान देते हुए व्यवहार का वर्गीकरण किया जाना चाहिए। व्यवहार का वर्गीकरण जब सही तरीके से होता है तो उसे अलग अलग ग्रुप में बांट करके उसका विश्लेषण किया जाता है और इसी के आगे द्वितीय के बाद तृतीय चरण आता है व्यवहारों का विश्लेषण। व्यवहार को छोटे छोटे पदों में विभाजित किया जाता है और विभाजित करने के बाद उनका सही तरीके से निरीक्षण परीक्षण करके फिर सामान्यीकरण किया जाता है। सामान्यीकरण करने के उपरांत ही आत्मावलोकन सही तरीके से हो पाता है और तभी शिक्षक के अंदर स्वयं की समझ का अवलोकन होता है और स्वयं की समझ के बाद ही व्यक्ति दूसरे पर प्रभावी तरीके से अपने व्यवहार का प्रदर्शन कर सकता है और विद्यार्थियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। आज इतना ही, अगले